नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज एलसीएम से संबंधित कुछ और सवाल लेकर आया हूं। तो आज के सवाल का थीम है कि जलेगी, दूसरा होगा बजेगी, तीसरा होगा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सवाल आएगा जिसमें होगा कि वह जो सवाल है जिसमें होगा घंटियाँ, ठीक है, तो कुछ घंटियाँ दिए होगा, 3 घंटी, 4 घंटी, इतने समय के अंतराल बजती है तो पुनः कितने समय बाद बजेगी। तो इसलिए बजेगी का मतलब है, यानी कि जो भी सवाल होगा उसमें बजेगी जैसा कुछ ना कुछ आपके सामने होगा। उसके बाद एक जलेगी वाला बात है। तो जैसे आप सवाल देखेंगे कि यातायात की जो बत्ती होती, यानी कि ट्रैफिक लाइट जो होता है, उस पर आधारित सवाल होगा, तो उसमें जलने वाला बात होता है, इसीलिए कहा गया कि जलेगी। अब तीसरा है मिलेगी। मिलेगी का मतलब है जब राउंड पथ पर, यानी कि राउंड सर्कल पे कोई धावक दौड़ लगाता है, तो इस प्रकार के सवाल में रहता है कि एक अलग अलग समय में चलना शुरू किया, इतने समय में पूरा करता है, तो पुनः कितने समय बाद मिलेगा। तो आप समझ गए कि बजेगी, जलेगी और मिलेगी, यानी कि इसी पर आधारित आपके सामने सवाल होगा। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 आपका है, 3 घंटियां क्रमशः, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड में के जगह पर के अंतराल, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल में बजती है, और वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है, तो कितने समय बाद, पुनः एक साथ बजेगी, तो इसका ऑप्शन ए है 6 मिनट, बी है 12 मिनट, सी है 18 मिनट और डी है 24 मिनट। ठीक है, तो सवाल एक बार देखिए। सवाल है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल में बजती है और वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। जैसा कि आपको शुरू में ही कहा गया था कि सवाल में क्या होगा, बजेगी, किसी किसी सवाल में होगा जलेगी, तो लाइट वाला जो सवाल होगा उसमें जलेगी और धावक वाला सवाल होगा तो उसमें होगा मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आएगा कि बजेगी, जलेगी, मिलेगी, तो आपको याद रखना है कि दिए गए डेटा का निकालना है एलसीएम, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पीछे आप जो एलसीएम की बात किए थे उस समय आप कटाने वाला बात करे थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि डायरेक्टली यदि सेकेंड का ऑप्शन सवाल में सेकेंड है और ऑप्शन में भी सेकेंड है,
तब तो आप कटा के इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको फिर से बदलना पड़ेगा, तो टाइम तो उतना लग ही जाएगा। उससे अच्छा है कि आप इसका एलसीएम जनरली सामान्य मेथड से जैसे आपको इजी बुझाता है उस प्रकार से ले लीजिए। एलसीएम निकालने की लिए आपको बताया गया है, आप पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए एलसीएम निकालिएगा 36, 40 और 48। तो देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान, देखिए इसका लिखेंगे 36 का लिखेंगे तो होगा 6 × 6, और इसका लिखेंगे 40 का, 4 से लिखते हैं, रुकिए, 4 × 9 इसका होगा, 4 × 10 इसका होगा, 4 × 12, ठीक है। तब देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, इस 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, इस 12 को लिख सकते हैं फिर से 4 × 3। तो आप इसका एलसीएम लेने के लिए आपको बताया गया कि पहले जो सभी में मिलता है उसमें मिला दीजिए, तो 1, 4 सब में मिल रहा है। अब देखिए एलसीएम में यदि कोई 2 भी मिलता है तो उसको भी मिलाते हैं, तो देखिए 1, 3 मिल रहा है इसमें, 1, 3 मिल रहा है। अब देखिएगा इस 4 में 2 और 2 है, तो इसको आप 2, 2 लिख लीजिए, तो देखिए 1, 2 इसमें मिल गया। अब बच गया, जो बच गया उसको भी लिखेंगे, तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 1, 4 हो गया, फिर 1, 2 हो गया, उसके बाद 1, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपका बाकी बचा हुआ यानी कि 1 और 3 और 1, 2, ठीक है। अब इस सब का आप गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा एलसीएम। और ये कौन सा विधि हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि वाला हुआ, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ, 4 × 8, 8 × 16 और 16 × 144, 16 × कितना हो गया 144, और कुछ छूट नहीं रहा, हाँ एक ये 5 छूट रहा है, देखिए 5 मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ध्यान दीजिए 4 × 8, 8 × 16, 16 × 5 = 80, अब बच गया 9 यानी कि 720, और सेकेंड है तो ये सेकेंड हो गया, 720 सेकेंड इसका एलसीएम हो गया, तो इसका आंसर 720 सेकेंड होगा। लेकिन ऑप्शन में देखें कि सेकेंड है तो सेकेंड होगा 720, यदि सेकेंड नहीं है तो उसको मिनट या घंटा में बदल के ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन में मिनट 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 है, 720 जो आपका है मिनट है, सेकेंड है, तो वह कितना मिनट होगा, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इतना आपके पास सेकेंड है तो कितना मिनट होगा, तो 60 से भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा 12, और 12 मिनट इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि घंटी वाला सवाल आए तो आपको निकालना है एलसीएम जैसे आपको इजी बुझाए, आप निकाल पारा पढ़ के बुझाए, पारा पढ़ के निकालिए, ठीक है, जैसे आपको आसान बुझाता वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल है 4 घंटी, ठीक है, उस समय 3 घंटी था, अब है 4 घंटी, 2 नंबर सवाल में है, 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 18, 24, 12, 18, 24, 12, 18, 24 और 30, और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं एक बार एक साथ, बजते हैं, ठीक है, एक बार एक साथ, ठीक है। तो तीनों की जगह पे यहाँ पर चारों हो जाएगा, चारों एक साथ बजना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो देखिए आपका सवाल क्या है कि 4 घंटियां क्रम से 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है और वे चारों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो इसका मतलब हुआ कि फिर से आपका वही का वही सवाल है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप जानते हैं, अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन है ए 16 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 6 मिनट और ऑप्शन डी है आपका 24 मिनट। फिर से है,
तो चलिए चलते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है आपको, तो देखिए तो थोड़ा जहाँ तक आपको आसान बुझाए आसानी से कर लीजिए। देखिए यदि हम 12, 18, 24 का निकालते हैं, 24 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा आसान ही है। तो देखिए 24 दूनी 48, 12 में 18, 24 दिया 72, देखिए तीनों माने यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो 72 इसका एलसीएम हो गया। अब एक आपका बच गया 30, तो 72 और 30 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो 72 को आप लिखिए 12 गुना 6 और 30 को लिखिए 6 गुना 5। 30 को क्या लिखते हैं, 6 गुना 5। तो देखिए ये दोनों में 6 और 6 मिल रहा है, इसका मतलब एक होगा 12 गुना 6 और गुना 5, यही इसका एलसीएम होगा। तो कितना हो गया, 12 और 30 नहीं, तो 12 किया 36, कितना हुआ इसका एलसीएम हो गया 360, और 360 सेकेंड हुआ, 360 सेकेंड हुआ। यदि ऑप्शन में 360 सेकेंड है तो आप 360 सेकेंड लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या है, मिनट है, अतः इसका आंसर क्या होगा, 6 मिनट होगा नहीं। ठीक है, तो समझ गए आप। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है, ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है, अबरी है 5 घंटियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 घंटियाँ है, तो 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है 6, 7, 8, 9 और 12। इस बार 5 घंटी है 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड में। ठीक है, के अंतराल पर एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो फिर से अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 318 सेकेंड, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड, उसके बाद 612 सेकेंड, उसके बाद है 504 सेकेंड। ठीक है, तो आप जानते हैं, एक बार और सवाल पढ़िए, 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है और वे चारों एक साथ बजना आरंभ करती है, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो बार बार आप देख रहे हैं इस प्रकार के सवाल में निकाला जाता है एलसीएम। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन इसका क्या है, क्वेश्चन आपका सेकेंड में है तो ऑप्शन भी सेकेंड में है, तो इसका एलसीएम निकालना और भी आसान होता है। कि क्या करेंगे, कटाने वाला बात, जो सबसे कटेगा वही उसका होगा एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 7 से कटने वाला, देखिए एक 7 है इसमें, तो 7 से कटने वाला इसमें आंसर होगा। तो देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से इसको कटाइएगा नहीं कटेगा, 7 से इसको कटाएगा नहीं कटेगा, 7 से ये कट रहा, इसका मतलब 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब वही का वही आंसर होगा। ऐसे कटना चाहिए सभी से, तो आप चेक कर लीजिए सभी से कटेगा, लेकिन हमने देखा कि ऐसा संख्या हमने खोज लिया कि एक ही बार में आपका कम हो, ऐसा नहीं कि 6 से करे फिर 7 से करे फिर 8 से, ऐसा हमने कुछ खोज लिया कि 7 से कटने वाला सिर्फ एक ही इसमें है, तो बस हो गया, यही इसका आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आप देख रहे हैं बजेगी बजेगी हर सवाल में आ रहा है बजेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर सवाल हो गया है, इसके बाद चलते हैं 4 नंबर सवाल। अब थोड़ा सा 4 नंबर सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग आपको आएगा। तो 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड, तो अब यह है 4 घंटियाँ। ठीक है, क्या है 4, 6, 8, तो आपका 4, 6, 8 और 14 सेकेंड कितना है, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, वे चारों एक साथ 12 बजे बजना, यहाँ देखिए 12 और बजे, 12 बजे बजना आरंभ करती है, 12 बजे बजना आरंभ करती है, तो किस समय, ठीक है, तो कितने समय नहीं, यहाँ पर अब होगा किस समय वह पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो देखिए
तो अब सवाल क्या हो गया, अब 12 बजे दे दिया, उस समय आपका कोई बजे वगैरह नहीं देता था। तो थोड़ा सा बस सवाल घुमाया, आपको समझना है कि आप इससे पहले जो देख रहे थे तो जितना बजे शुरू हुआ होगा उससे मतलब नहीं था, इतना समय बाद पुनः बजेगा। तो अब क्या करना है, 12 बजे बजा है तो उतना समय बाद यानी कि फिर से सवाल में एलसीएम निकालेंगे और 12 बजे के बाद उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उतना बजे पुनः बजेगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कितना है। चलिए इस सवाल का ऑप्शन आपका है 12 बजकर, ए में है 12 बजकर 5 मिनट और है 20 सेकेंड। बी में आपका ऑप्शन है फिर से है 12 बजकर 3 मिनट और है 44 सेकेंड। फिर से सी में ऑप्शन है 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड। और डी में आपका ऑप्शन है 12 बजकर 3 मिनट, बस इसमें कोई सेकेंड नहीं है। तो आप जान रहे हैं दिए गए संख्या का आपको निकालना एलसीएम। तो देखिए 4, 6, 8 और 14 का आपको निकालना एलसीएम। देखिए 14 में एक 7 का पहरा आता है, ठीक है, तो हम पहले यहाँ तक का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 6, 8 का एलसीएम लेना आसान है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 का पहरा पढ़ेंगे, 8 × 16, 16 इसमें 8 किया 24, यानी कि यहाँ तक का जो एलसीएम 4, 6, 8 का एलसीएम आ गया 24। अब एक संख्या आपको बच गया है 14। तो 14 में देखिए ये 24 है, इसमें 4 और 6 होगा 24 और इसमें कितना होगा 14 है, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं क्योंकि इसमें इसमें है 24 में 12 और 2 और इसमें कितना है 7 और 2, तो 2 2 मिल रहा है, तो बच गया 12 और 7, यानी कि 24 और 14, इसका एलसीएम हो गया 12 × 2 × 7, ठीक है। क्या हो गया 12 × 2 × 7, यानी कि 12 × 24 = 37, इसका मतलब हो गया 168 क्या था सेकेंड, 168 सेकेंड हो गया, यानी कि ये जो घंटियां हैं 168 सेकेंड बाद क्या करेगी, पुनः बजेगी। तो ऑप्शन में खोजिए 168 सेकेंड कौन सा है, ठीक है। तो देखिए 12 बजे से शुरू हुआ, 168 सेकेंड में कितना बज जाएगा, तो देखिए 168 सेकेंड का मतलब कितना मिनट कितना सेकेंड हुआ, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसमें 168 है, 60 का जो गुणज होगा वो सब मिनट होगा, तो 60 × 120 और 60 किया होता है 180, यानी कि 2 हो जाएगा आपका मिनट और बच कितना जाएगा इसमें 48 सेकेंड, यानी कि 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। और ये सवाल का आंसर है सी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से है आपका सवाल नंबर 5, वैसा ही सवाल है। 3 घंटियाँ क्रमशः, 3 घंटे अभी 4 घंटे की जगह पे 3 घंटी है, 3 घंटियाँ 9, 12, 15 मिनट। इस बार क्या है आपका 9 है 12 है 15, इस बार क्या है मिनट है 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजते हैं। सभी घंटियाँ 8 बजे प्रातः एक साथ बजना, ठीक है, तो सभी 8 बजे, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 बजे बजना आरंभ करती है तो किस समय एक साथ बजेगी। फिर से आ गया बजेगी, तो आप जानते हैं जैसा पीछे बनाए सेम, तो आपको करना क्या है, पहले इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस समय। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 8 बजे प्रातः है, यानी कि एक बार और सवाल सुन लीजिए, 3 घंटे क्रमशः 9, 12, 15
मिनट के अंतराल पे बजती है और वे सभी एक साथ 8 बजे प्रातः बजना आरंभ करती है तो किस समय वह पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो जब भी सवाल में बजेगी होगा तो आप क्या करेंगे, सवाल का लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, 1:30 सायम है माने कि शाम हो गया है, फिर बी में आपका है 10:30 प्रातः, फिर सी में आपका है 11 प्रातः, फिर डी में आपका है 8:45 प्रातः। ठीक है, तो देखिए आपको लेना है 9, 12 और 15 का एलसीएम। ठीक है, तो 9, 12 और 15 का आप लीजिए एलसीएम। देखिए तीन तीन सब में है, इसको लगाइए 3×3, इसको लगाइए 3×4, इसको लगाइए 3×5, तो देखिए तीन तीन मिल गया है, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 3×, फिर अब बचा हुआ 3×4×5, सबको जब गुना करेंगे 4×5=20, 180 यानी कि 180 मिनट होगा। क्या होगा, क्वेश्चन में मिनट है तो 180 मिनट, इसका मतलब हुआ कि यह 180 मिनट के बाद फिर से बजेगा। तो 8 बजे जब शुरू हुआ तो 180 मिनट का मतलब कितना होता है, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा, तो 8 में 3 जोड़ देंगे, 8+3=11, और 11 इस सवाल का आंसर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से आपका है 6 घंटियां एक साथ। ठीक है, तो 6 घंटियां इस बार फिर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 घंटियां है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ करती है क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10, इसका कितना है, 2, 4, 5, 8, 10 और 12, क्या है, सेकेंड है, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो अब देखिए बजती है तो, ठीक है, अब सवाल थोड़ा सा बदल रहा है के अंतराल पे बजती है तो हो गया, बजती है तो 1 घंटे में कितने बार बजेगी। तो 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 और 12 के अंतराल में बजती है, वे एक साथ बजना आरंभ करती है। ठीक है, बजती है वे एक साथ, मैं लिख देता हूं, वे एक साथ बजना आरंभ करती है, आरंभ करती है तो 1 घंटे में कितने बार बजेगी। तो फिर से आप इस प्रकार के सवाल में आपको लेना है एलसीएम, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है 31, फिर दूसरा है 8, तीसरा आपका है 21 और चौथा आपका है 30। ध्यान दीजिए, यानी कि आपको बताना है कि 1 घंटे में कितनी बार यह बजेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि दोबारा कितने बार बजेगा। ठीक है, तो जब से यह शुरू हुआ होगा उस समय से, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 4, 5, 8, 10 और 12, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। देखिए 2, 4, 8 और 10 यहाँ तक का एलसीएम, 2, 4, 5 और 8, 10 तक का इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, 10×20=40 आ जाएगा, यहाँ तक 40 आ गया और एक बचा हुआ है आपका 12। तो देखिए 40 में है 4×10, इसमें है 4×3,
ये मिल गया है, यानी कि इसका एलसीएम होगा 4 × 10 × 3 यानी कि 40 × 3 = 120 इसका एलसीएम आपके सामने आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। तो 2 मिनट समय लगा तो एक बार बजेगा, फिर 2 मिनट समय लगा तो एक बार बजेगा। तो आप इस बात को समझिए कि यह अब कितना आ गया, 2 मिनट। अब देखिए आपको यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ एक बार बज चुका है, यहाँ से प्रत्येक 2 मिनट में बजेगा, फिर ये यहाँ से 2 मिनट का टाइम लिया, फिर 2 मिनट का टाइम लिया। तो आप देखिए आपके पास कितने मिनट का टाइम है, तो 60 मिनट का टाइम है, क्योंकि 1 घंटा बोला है। तो 1 घंटा यहाँ आएंगे तो 1 घंटा में हुआ 30 बार बजेगा, यानी कि हर 2-2 मिनट पर बजेगा, तो यानी कि यहाँ आएगा एक बार, इसी प्रकार यहाँ तक जाएगा तो 30 बार बजेगा। और 30 बार तो यहाँ से ये बज इसको नहीं काउंट किया, क्योंकि यहाँ से समय शुरू हुआ तो यहाँ ना एक हुआ, इसी प्रकार जब यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 30। तो यानी 30 ये हो गया, एक पहले वाला हो गया, यानी कि 1 घंटा में यह घड़ी 31 बार, घड़ी नहीं घंटियाँ है, तो 31 बार एक साथ बजेगी। इसका मतलब आप समझिए, जब भी आपको ये कितनी बार वाला है आप ध्यान से देखिए, जितना आपका एलसीएम आएगा, जितना समय दिया रहेगा, उस समय से पहले भाग दीजिए और एक एक्स्ट्रा करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा रहता है एक साथ बजना शुरू किया, तो यानी कि उसको हाइड किया रहता है। तो आप गलती से आप 30 मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत, ठीक है। जब भी आपको ध्यान देना है कि 1 घंटा था तो हमको 2 मिनट आया, 1 घंटा में 2 मिनट में करेंगे तो आएगा 30, और उसके बाद एक और बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से एक और सवाल है, सवाल नंबर सात में कितना है, फिर से 6 घंटियां है, ये कितना में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 2, 4, 6, 8, अगली है 2, 4, 6 है, यहाँ पे 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, वे फिर से आ गया, वे एक साथ बजना आरंभ करती, अभी उस समय था 1 घंटे, अब आ गया है 30 मिनट, क्या आ गया है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, फिर से आप देखिए, इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो फिर से एक बार सवाल देखिए, बोल रहा है कि आपका है 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है, यदि वह एक साथ बजना आरंभ करती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो आप ऐसा सवाल पीछे जस्ट बनाए हैं, तो आपको क्या करना है, दिए गए डेटा का एलसीएम लेना है और उसके बाद देखना है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए सबसे बड़ा पहाड़ा है 12 का, ठीक है, आप देखिए इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक का निकाल लेते हैं, देखिए 8 तक का आपको आएगा 24, 8 तक क्या 12 तक का भी 24 ले लीजिए, 10 को भी अलग रखिए, देखिए 12 तक का निकालेगा तो आपको आ जाएगा 24 और दूसरा बच गया 10। तो 24 के लिए इसको लगाइए 12 × 2, इसको लगाइए 5 × 2, तो 2-2 मिल रहा है, सब मिला कितना हो गया एलसीएम 12 × 5 × 2 यानी कि 12 × 10 = 120 तो हो ही गया है, ठीक है, 120 आया है आपका एलसीएम, ठीक है। फिर से इसका मतलब क्या हुआ, 120 सेकेंड मतलब हो गया 2 मिनट। तो 2 मिनट में यह फिर से बजेगा, आपके पास कितने मिनट का समय है, 30 मिनट का समय है। तो 30 मिनट को जब 2 से भाग दीजिए तो आएगा 15। आपको जस्ट अभी बताया गया है कि 15 बार तो ये बजेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा बजेगा, क्योंकि जिस समय शुरू किया उसको काउंट, उसमें समय तो नहीं लगा उसको बजने के लिए, इसीलिए क्या होगा कि 15 × 1 = 16 बार ये बजेगा, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा और सवाल को घुमाया गया है, तो इस बार क्या है,
हाँ, अब आपका बजेगी खत्म हो गया है, अब आपका आ रहा है जलेगी। ठीक है, तो सवाल बदला जाए, क्या है? जलेगी। तो लाइट का बात करेगा तो आपको कहेगा जलेगी। तो देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, तीन विभिन्न चौराहे, तीन विभिन्न चौराहों, तीन विभिन्न चौराहों पर तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 और 108 सेकेंड के बाद बदलती है, सेकेंड के बाद बदलती है। ठीक है, यदि वे 8:20 बजे एक साथ जले तो कितने बजे पुनः एक साथ जलेगी? तो कितने बजे पुनः एक साथ जलेगी? देखिए, आपको शुरू में कहा गया था बजेगी जलेगी, तो आ गया जलेगी। ठीक है, एक बार सवाल देख लीजिए आप लोग। तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद बदलती है, यदि वे 8:20:0 बजे एक साथ जले तो कितने बजे पुनः, ठीक है, एक साथ जले तो कितने बजे पुनः एक साथ जलेगी? तो ऐसे सवाल के लिए आपको लेना है LCM। तो देखिए, देखते हैं आपका क्या है, 48 है, फिर क्या है, 72 है और फिर 108 है। ठीक है, तो देखिए इसको लगा देते हैं 12 × 2 × 2, इसको लगाते हैं 12 × 2 × 3, इसको लगाते हैं 12 × 3 × 3। ठीक है, तो 12 देखिए सब में मिल रहा है और ये 2 इसमें मिल रहा है और ये 3 इसमें मिल रहा है। LCM लेने के लिए किसी दो में मिलता है उसको लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका LCM कितना हो गया, एक तो 12 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब बचा हुआ जो है उसको भी, यानी कि ये 2 और ये 3, यानी कि एक 3 एक 2 सब मिलाकर आप गुणा कीजिए, यानी कितना हो गया 12 और उसके बाद 48 × 9। तो इसको पढ़ेंगे तो 8×9=72 और 4×9=36। ठीक है, 8×9=72 के 2 बाकी 7 और 4×9=36 और 7 कितना हो गया 7×6=13, यानी कि 432 आपका क्या आ गया, सेकेंड आ गया, 432 सेकेंड। ठीक है, SEC। ठीक है, तो 432 सेकेंड है, इसको अब आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए, आप क्या जानते हैं कि 60 सेकेंड का मिनट होता है, इसमें 60 से जब भाग दीजिएगा तो 60 को 7 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 7×6=42, यानी कि 420 को एक साथ कीजिए, बगल में बच गया 12, ये हो जाएगा 7 मिनट और ये हो जाएगा 12 सेकेंड। तो अतः इस सवाल का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए है 8:27:12, फिर है ऑप्शन बी 27 मिनट और 36 सेकेंड, उसके बाद ऑप्शन सी है आपका 8:27:24 और ऑप्शन डी है आपका 8:27:48। इसका मतलब हुआ 8:27:48। तो आपको कितना आया है, 7 मिनट आया है और 12 सेकेंड आया। तो देखिए,
शुरू कितने में हुआ था, 8:20 में, तो 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा, बच जाएगा कितना 12, यानी कि 8 घंटा 27 मिनट और 12 सेकेंड इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगला सवाल जो है, देखिए जलेगी समझ गया, अगला सवाल आपका है मिलेगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं मिलेगी। तो तीन धावक हैं, एक वृत्ताकार पथ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होगा। तीन धावक एक वृत्ताकार, तीन धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, उन्हें उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में, उन्हें उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः कितना लगता है, 200, 300, 400 सेकेंड लगते हैं। वे दोबारा पहली बार अपने वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले था बजेगी, उसके बाद आया जलेगी, अब आ गया मिलेगी। आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लय बनाने के लिए आपको ऐसा बोलेगा, ऐसे जब महिला धाविका रहती तो मिलेगी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ए है आपका 1500 सेकेंड, दूसरा आपका बी है 1200 सेकेंड, तीसरा सी है 1400 सेकेंड और डी आपका है 1500 सेकेंड। ठीक है, चलिए एक बार और सवाल पढ़ते हैं। तीन धावक एक ही वृत्ताकार पथ पे एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, उन्हें उस पथ पर एक साथ चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 400 सेकेंड लगते हैं, वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए दिए गए डेटा का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे, देखिए 200, 300 और 400, तो 400 का पारा पढ़िए, 400 दूनी 800 इसमें नहीं, 400 3 12, तो 1200 इस सवाल का एलसीएम हुआ, तो 1200 यदि सेकेंड में ऑप्शन है तो सेकेंड ही आंसर होगा, तो 1200 सेकेंड इस सवाल का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।